सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। ये लाइंस आपकी थॉट प्रोसेस की पावर को बताता है, यानी कि इंटेंशनली शेपिंग आवर माइंडसेट, बिलीव्स एंड परसेप्शन आपके थॉट्स को डिजाइन करते हैं। जिसने अपने थॉट्स को डिजाइन कर लिया, यह मान लो उसने अपनी लाइफ को डिजाइन कर लिया, अपने लाइफ की हैप्पीनेस को और सक्सेस को डिजाइन कर लिया। साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बड़े होटल में कहीं से कॉकरोच उड़ता हुआ आया और एक महिला के ऊपर पेट गया। वह महिला बहुत घबरा गई, डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। साथ ही साथ में उनकी आवाज कांपने लगी और वह उछल उछल के अपने ऊपर से कॉकरोच को हटाने की कोशिश करने लगी। उसको इस तरह से देखकर उसके जितने भी साथी थे उसके ग्रुप में, वो सब भी घबराने लगे। अब किसी तरह से उस महिला ने अपने ऊपर से वो कॉकरोच हटा दिया, वह कॉकरोच दूसरी महिला के ऊपर जाकर गिर गया। अब बारी ये पूरी नाटक करने की दूसरी महिला की थी और वह भी बिल्कुल वैसे ही करने लगी, डरने लगी, उस कॉकरोच को अपने ऊपर से हटाने लगी। यह सब कुछ देखकर वेटर बाहर से आया और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से उनके पास में गया, पर यह क्या, वह कॉकरोच सीधा उस महिला के ऊपर से उस वेटर की शर्ट के ऊपर आ गया। वह वेटर बिल्कुल सीधा स्टेबल खड़ा हो गया। उस कॉकरोच को उसने बहुत ध्यान से देखा, खुद को नियंत्रित किया, धीरे से अपना हाथ, अपनी फिंगर्स उस शर्ट पर बैठे हुए कॉकरोच के ऊपर लेकर गया और उस कॉकरोच को धीरे से पकड़ के और बाहर फेंक दिया। तो मुझे यहाँ यह बताइए कि महिलाओं के उस व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार था? यदि कॉकरोच था तो फिर उस कॉकरोच ने वेटर को परेशान क्यों नहीं किया? दरअसल उस कियोस जो क्रिएट हुआ था, उस कियोस क्रिएट करने के लिए कॉकरोच तो जिम्मेदार था ही नहीं। वह जिम्मेदारी थी उस स्थिति को हैंडल नहीं कर पाने की समर्थता में। यानी आप असमर्थ है उस कियोस को, उस स्थिति को हैंडल कर पाने में, तो यह चीज क्रिएट हुई है। साथियों, इसी तरह हम अपने जीवन में भी छोटी छोटी चीजें जो आती हैं उनमें ऐसे ही रिएक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। हो सकता है कि उनसे हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान तो नहीं होता, पर यह इस चीज की परिचायक होती है कि हम अपने सरकम चांसेस को किस तरह से हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली लाइफ इज 10% what happens to us and 90% how we react to it। और यहाँ हमें इस 90% को ही डिजाइन करना है कि हमें किस तरह से किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रिएक्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम थॉट डिजाइनिंग की ही बात करेंगे, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानेंगे। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले कि थॉट डिजाइनिंग करना क्यों जरूरी होता है या क्या फायदा होगा थॉट डिजाइन करने का, और दूसरी बात यह करेंगे कि थॉट डिजाइन कैसे करें। तो प्रारंभ करते हैं। पहला है इन्फ्लुएंस ऑन आवर इमोशंस एंड बिहेवियर। हमारे विचार, हमारी भावनाओं को, हमारे व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जहां एक तरफ नेगेटिव थॉट पैटर्न हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाता है, स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है, वहीं पर पॉजिटिव थॉट पैटर्न जो होता है वह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, खुशियां लाता है। सेकंड है इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। यानी कि थॉट डिजाइनिंग में हम अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उन्हें चैलेंज कर पाते हैं और साथ ही कंस्ट्रक्टिव और अडैप्टिव थॉट पैटर्न से उसे रिप्लेस करते हैं, जिससे कि हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार होता है। यह कहीं ना कहीं हमारे मेंटल वेलबीइंग को भी सपोर्ट करता है। तीसरा है एनहांस रेजिलियंस। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने आप को एक कदम पीछे लेना होता है। थॉट डिजाइनिंग हमें इन सर्कमस्टेंसेस में, जब चुनौतीपूर्ण समय होता है, तब हमें पीछे हटने में भी हमारा माइंडसेट तैयार करता है। समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करके हम इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने आप को पीछे हटाने के लिए रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं और यह हमें बाउंस बैक करने की एबिलिटी भी देता है। और चौथा है प्रमोटिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस लर्निंग और ग्रोथ माइंडसेट के साथ में हम अपना थॉट डिजाइन कर सकते हैं।
जिससे कि अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वो सपोर्ट प्रदान करता है। इससे हम अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट कर सकते हैं। पांचवा है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। थॉट डिजाइनिंग से हमें करुणा, सहानुभूति और पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे संबंधों को बेहतर बनाता है। और छठा है अचीविंग गोल, यानी कि थॉट्स को पॉजिटिवली डिजाइन करके हम अपने सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। साथ ही सक्सेस को विजुलाइज करके कॉन्फिडेंटली हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो साथियों, ये तो थे फायदे कि थॉट डिजाइन क्यों किया जाए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से थॉट डिजाइन करना चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क है जो उसके ऊपर काम कर सकता है। एक बहुत ही अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रेमवर्क ऑफ थॉट डिजाइनिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है 1 आइडिया। एक आइडिया ले या एक कॉन्सेप्ट ले जिसके ऊपर आपको काम करना हो, या फिर उसको आपको एक्सप्लोर करना हो या कम्युनिकेट करना हो। जैसे एक कोई बुक पब्लिश करना हो सकता है, या फिर कोई नया स्टार्टअप तैयार करना हो सकता है। दूसरा है 2 पार्ट्स, यानी कि आपने जो कॉन्सेप्ट या आइडिया लिया है उसे 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दीजिए, जिससे आपको दोनों ही एंगल से उसे देखने का अवसर मिलेगा। मान लीजिए आपने बुक को पब्लिश करने का प्लान किया है, तो आप इसे 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो मैं खुद लिखकर उसे पब्लिश कर सकती हूँ, और दूसरा मैं उसे पब्लिश करने के लिए और लिखने के लिए किसी गाइड या मेंटर का सपोर्ट ले सकती हूँ। तीसरा है 3 रीजंस, यानी कि आपके आइडिया के जो 2 पार्ट्स हैं उसके सपोर्ट में 3 रीजन या तर्क रखिए। यह आपके आइडिया को गहराई देता है और विश्वसनीयता भी देता है। चौथा है 4 एग्जाम्पल्स, जो आपने 3 तर्क रखे हैं या रीजंस रखे हैं उनको एग्जाम्पल्स से साबित करिए। एग्जाम्पल्स देने से आप उसे बहुत आसानी से समझा पाएंगे और साथ ही साथ में उसमें स्ट्रेंथ भी आएगी। पांचवा है 5 क्वेश्चंस, आपके आइडिया के सपोर्ट में 5 क्वेश्चंस तैयार करें। वो क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड होना चाहिए, इससे आप उस आइडिया को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और छठा है 6 कंक्लूजन्स, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पर एसेस करिए और 6 कंक्लूजन निकालिए। ये निष्कर्ष आपके पूरे फाइंडिंग को और आपके इनसाइट को समराइज करते हैं। साथियों, इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम अपने थॉट्स को डिजाइन करके एक स्ट्रक्चर प्लान तैयार कर सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। जब हम इस तरह से थॉट डिजाइन करते हैं तो हम अच्छी तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथियों, हमारे थॉट्स हमारे रिलेशनशिप को और हमारे रिजल्ट्स को दोनों को ही निर्धारित करते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करते हैं, यानी हम अपने आसपास उत्पन्न हुए कॉकरोचेस को किस तरह से हैंडल करते हैं और उन केओस को जो क्रिएट हो सकते थी उनसे बच सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से अपने थॉट्स को पॉजिटिव वे में डिजाइन करके आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं, जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो निश्चित तौर पर आपको अच्छा ही लगा होगा। अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता।